इसमें आपको रोमांस बहुत हल्का फुल्का दिखा है, मैं सच्चाई बोलूंगी उतना नहीं, बट एक बहुत ही दमदार फिल्म बन रही है। इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इंसान है, मैं उन्हें डे बाय डे जान रही हूँ, और कुछ कुछ सीन्स में तो मैं वाकई बहुत पेट पकड़ पकड़ के हंसी हूँ कि वो इतने मजेदार इंसान है, तो मजा आ रहा है। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूँ, और आज एक बार फिर से बनारस की धरती पर बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू देखने को मिला था अंकुश राजा के साथ, और अब एक बार फिर से उन्हीं अभिनेत्री को यानी कि चुलबुली अभिनेत्री को पकड़ा, निधि झा को अपने कैमरे पर। बात करेंगे आज वाली फिल्म को लेकर, कालिक है फिल्म का नाम, बहुत ही डिफरेंट टाइटल है, लेकिन जानेंगे आखिर इतनी खूबसूरत और कालिक क्या है मैटर। लेकिन सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, स्वागत है मैम। भोजपुरी कनेक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को निधि जी का प्रणाम है, नमस्कार है। फिल्म का टाइटल जी क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले इतनी ब्यूटीफुल, उसके बाद ये कालिक क्या है ये? देखिए टाइटल ही बहुत ज्यादा दमदार है, लोग ये सोचते होंगे कि टाइटल है क्या। आप सबको पता है, जो मेरा परिवार है सबको पता है कि हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नया करने की। ये एक वुमेन सेंट्रिकल फिल्म है, नारी के ऊपर बनने वाली फिल्म। रेप एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में हमारे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग उन रेपिस्ट जो रेप से गुजर चुकी हैं हमारी महिला, उन्हें न्याय मिलने के बाद भी लोगों का ताना बाना, क्या सोसाइटी कैसे उन्हें फेस करती है, उसका परिवार कैसे फेस करता है, हाई कोर्ट से या कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने के बाद भी उनकी लाइफ क्या होती है, ये हम कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म से एक छोटा सा मैसेज देने के लिए, एक सोशल मैसेज देने के लिए। और आशा है कि इस फिल्म के बाद से जो हमारे जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं जो रेप से गुजर चुकी है, रेप हमारे लिए बहुत सिर्फ चार वर्ड का है, बट ये वो दर्द है जो आप और मैं नहीं समझ सकते, ये वही समझ सकते जो इससे गुजरा हो। तो हम इस फिल्म के जरिए कोशिश कर रहे हैं उन परिवार को जागरूक करने की जो समाज के डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने बेटी को रोक कर रखते हैं उस समाज के डर से। तो ये समाज का डर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए एक मैसेज देने की। ये तो वही बात है ना, जो बीजेपी जब से सरकार आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मुद्दा है काफी ज्यादा है, इसी पर आधारित मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लोग कह रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत जगह ऐसा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तो बात की बात है, उससे पहले आप अपने लड़कों को संस्कार दो। उन लड़कों को जो लड़कियों को हाई दृष्टि से देखते हैं, जो ईव टीजिंग करते हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माँ बहन है, परिवार है, कल को उनके साथ गुजरेगा तो क्या उन्हें फील आएगी। तो हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए एक सोशल मैसेज देने की और कुछ अच्छा बदलाव करने की। फिल्म में लाडो मदेसिया जी हैं, सब पहली बार उमदा मैं देख रहा हूँ कि आप आजकल नए नए एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, और एकदम कहते हैं ना कि लेवल आपने ग्राफ को बढ़ा दिया, तो किसके ऊपर क्या कहना चाहिए लाडू जी के लिए? देखिए मैं हमेशा से यही कहते आई हूँ कि एक वक्त पे मैं भी नहीं थी, मेरे परिवार ने, मेरे ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया और आज निधि झा को स्टार बनाया। मैं स्टार अभी भी नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए। तो मेरे लिए हमेशा नए एक्टर्स के साथ काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। तो लाडो जी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा चुलबुले इंसान है, मैं उन्हें डे बाई डे जान रही हूँ, और कुछ कुछ सीन्स में तो मैं वाकई बहुत पेट पकड़ पकड़ के हंसी हूँ कि वो इतने मजेदार इंसान है, तो मजा आ रहा है। आप भी सिंगिंग करते हैं कभी कभी? रैपिंग। और लाडो जी भी, तो क्या कम्युनिकेशन, कुछ एल्बम की तैयारी चल रही है कुछ आगे की बात? नहीं अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, मैं हमेशा अपने इस चीज के खिलाफ हूँ, बिकॉज मैं इस चीज में परफेक्ट नहीं हूँ और मैं काम करना पसंद। हाँ रैपिंग का लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा आगे बनता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं है। इस फिल्म में सबसे बड़ा मैं हर सब क्वेश्चन में ये पूछता, रोमांस का तड़का कितना लगने वाला है आपका लाडो जी का? देखिए बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कॉन्सेप्ट से भटके ना, तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जहां हम ज़्यादा रोमांस या रोमांस नाम की चीज़ नहीं दिखा सकते बिकॉज हम सोशल मुद्दा पे, सोशल मैसेज पे कर रहे हैं। तो इसमें आपको रोमांस बहुत हल्का फुल्का दिखा है, मैं सच्चाई बोलूँगी उतना नहीं, बट एक बहुत ही दमदार फिल्म बन रही है।
इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि फिल्म जब आएगी आप लोग देखेंगे तो समवेयर आई फील कि आप लोगों के भी आंख में आंसू आएगा, आप लोग भी उस दर्द से गुजरेंगे। बिकॉज एज एन एक्टर जब मैं खुद ये कैरेक्टर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो सोचकर ही रोना आ जाता है। जैसे हम भी अभी, मैं परसों की ही बात बताऊंगी, एक कोर्ट का सीन कर रही थी जहाँ मेरे भर भर के डायलॉग्स थे। कुणाल जी जो हमारे महानायक हैं वो भी थे। तो एक डायलॉग हमने, अब डायलॉग वो जब आप लोग थिएटर में फिल्म रिलीज होगी तब ज़रूर देखिएगा कि डायलॉग क्या था, लेकिन वो डायलॉग बोलते बोलते ट्रस्ट मी पूरा यूनिट, कुणाल जी, मैं तो थी ही, सब रोने लगे। तो कुछ कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वो फील कर सकते हैं। तो यही हमारी भी कोशिश है कि आप लोग भी वो दर्द, आप लोग भी वो मुद्दा, आप लोग भी वो मैसेज फील करेंगे ही। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर के बारे में कहना चाहूँगी, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रंजीत पटेल जी, बहुत ही सुलझे हुए इंसान। वो उनके साथ मैंने पहले जब काम किया था तो एज एन चीफ असिस्टेंट थे, तो आज खुशी हो रही है उनको एज एन डायरेक्टर देख करके, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत है जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी ला रहे हैं। तो मैं बधाइयाँ दूंगी, बधाइयाँ के पात्र हैं रंजीत जी, और उनको बस विशेष दूंगी बहुत सारे कि वो बैक टू बैक काम करते रहे और हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दें। एंड प्रोड्यूसर जो है हमारे राकेश मिश्रा जी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी, बिकॉज आज ऐसा टाइम है कि इंडस्ट्री में लोग सो कॉल्ड हीरो ओरिएंटेड लोग कहते हैं कि हीरो पे ही फिल्म चलता है, बट ये चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी, कोई भी फिल्म बनाइए, बड़े से बड़ा हीरो, अगर हीरोइन नहीं होना तो फिल्म नहीं चल सकती है। सीटियाँ तो देखने में तो ही मजा आता है। एग्जैक्टली तो मैं तारीफ के काबिल तो राकेश जी भी हैं कि उन्होंने रिस्क लेकर के, उन्होंने कहा नहीं हमें वुमेन सेंट्रिकल फिल्म, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाना है, और बिकॉज ये मुद्दा इतना पावरफुल है तो बनाना है ही। तो उन्होंने कहानी सुनाई और मुझे शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैंने हाँ कह दिया। सो इवन आई विल लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे भी वो ऐसे ही फिल्में बनाए ताकि हमारे इंडस्ट्री को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहे।